वित्त वर्ष 2023 में पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है, जिसमें लगभग आधी हिस्सेदारी अकेले बैंकिंग सेक्टर के मार्केट लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को 66,539 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी तुलना में 57% की ग्रोथ के साथ 2022 से 2023 में यह आंकड़ा 1,04,649 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ 59% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहा, जो सालाना आधार पर नेट मुनाफा 50,232 करोड़ रुपए का रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ और कैनरा बैंक को 10,604 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक 26% के साथ 1,313 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 51% 1,582 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 23% 2,099 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया को 18% 4,023 करोड़, इंडियन बैंक को 34% 5,282 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 61% 8,433 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के नेट प्रॉफिट में 27% का गिरावट रहा, जो 2,507 करोड़ रुपए का रहा। पीएनबी को छोड़कर अन्य सभी बैंक के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 2023 की आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च में क्यूमुलेटिव रूप से पीएनबी का प्रॉफिट 95% से अधिक बढ़कर 24,483 करोड़ रुपए हो गया है। यह एक साल पहले इसी अवधि में 17,666 करोड़ रुपए था। प्रतिशत के लिहाज से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट 126% बढ़कर 2,602 करोड़ रुपए हुआ है। इसके बाद 100% ग्रोथ के साथ यूको बैंक का प्रॉफिट 1,862 करोड़ रुपए और 94% ग्रोथ के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।